हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, वो है कटोरी। जो हम कटोरी ब्लाउज के लिए कटोरी बनाते हैं, तो हम उस कटोरी को, मतलब उसको हमें बढ़ाना होता है, तो एग्जैक्ट हम कितना बढ़ाएंगे, किस साइज़ के लिए कितना बढ़ाना है, तो आज मैं वही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग ब्लाउज़ वगैरह बनाते हैं और जिनकी कटोरी छोटी बड़ी हो जाती है, मतलब परफेक्ट नहीं बन पाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये टॉपिक। तो यहाँ पर पहले हम नीचे में काउंट करेंगे, और काउंट मैंने किया तो ये है ना 4 इंच है, तो ये बढ़ी भी नहीं है। जो हम ब्लाउज़ से जब हम कट करके निकालते हैं ना, तो जो छोटी रहती है उसे हमें बढ़ाना होता है, तो ये उसी वो है। तो यहाँ पे 4 इंच की है, ये 28 चेस्ट के लिए है। तो यहाँ पे चेस्ट मायने नहीं रखता है, हम सिर्फ मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कैसे हमें बढ़ाना होता है। तो हम 4 इंच की थी, तो हमने 2 इंच पर सेंटर में हमने एक लाइन, मतलब एक मार्किंग कर दी है। और अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हम 1.5 इंच पर जाने वाले हैं, ठीक है ना। नीचे में हम स्ट्रेट में 1.5 इंच में एक लाइन खींचेंगे, तो इस तरीके से आपको खींच लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम ना दोनों तरफ से हमें बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच हमें बढ़ाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ाना है, 1.25 इंच आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 1.25 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है, मतलब 1.5 नहीं बढ़ाएंगे, 1.25 ही हम बढ़ाएंगे यहाँ पे दोनों तरफ से, तो 1.25 इंच बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कटोरी ज़्यादा बड़ी किसी की अगर होनी है, मतलब एक ही चेस्ट में ना दो साइज़ की कटोरी बनती है, एक मीडियम जैसे सिंपल जैसे होते हैं, और एक किसी के ज़्यादा, मतलब बड़े थोड़े से बड़े कटोरी करने होते हैं, तो वहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे। अब ऊपर से हम लाइन एक पकड़ के, और उस नीचे जो लाइन ली है इसको हमें एक क्रॉस में ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये हो गई है, यहाँ से इसको हमें मिला देना। अब ऊपर से इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है, तो कितना हमें मिलाना है पकड़ के, तो यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हमें नहीं लेना, ऊपर से हमें 1/2 इंच नहीं लेना है, नीचे से हमने 1.25 इंच बढ़ाई हुई है, और ऊपर से वो 1/2 इंच है, तो ऐसे डॉट डॉट डालते हुए आप जा करके उसको राउंड में नीचे जा करके आपको मिला देना है। तो यहाँ पर आपको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने मिला दिया है, और अब मैं इसे यहाँ पे डीप लाइन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। और यहाँ से ये नेक है, नेक के तरफ से हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि नेक के तरफ से आप कुछ भी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो पूरी चौपट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो इसके लिए आपको बढ़ाना नहीं है, आपको ऐसे ही कर देना है क्रॉस में। और इसको ये गले की तरफ से कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बस इस तरफ से हमने बढ़ाया है। अब यहाँ से जो हमने नीचे की तरफ एक लाइन 1.5 इंच पे दी हुई है, तो उससे हमें इससे ऐसे मिला देना है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, चेस्ट कोई भी हो, 28 हो चाहे 30 हो, 32 हो, 40 हो, कटोरी को बनाने का तरीका यही है। बस थोड़ा सा जब हम, मतलब हेवी चेस्ट होती है ना किसी की, तो उस टाइम पे कटोरी की साइज़ थोड़ी सी हम बढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें दूसरा ट्रिक्स अपनाना होता है कि कैसे हम उसको सही करें। तो इसके लिए मैं बाद में उसके टॉपिक लेकर के उस पर आऊँगी, जहाँ जितना हो सके मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर हमने 1.25 इंच पर आपको दोनों तरफ से एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अंदर की तरफ ध्यान से देखिएगा, इसको 1.25 इंच पे हमने दे दी है, तो ये 2.5 इंच की टक्स होगी बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हमने दे दी है, आप चाहे तो 1-1 इंच भी दे सकते हैं यहाँ पर, चेस्ट अगर छोटी हो तो, जैसे 28 हो, 30 हो तो। लेकिन अगर उससे ऊपर है तो कभी भी आप 1.25 इंच, 1.5 इंच की जाती है लाइन, ये जो है ऊपर में एक लाइन हम दे देंगे। और ये जो लाइन हमें देनी है ना, ये हमें 1 इंच की देनी है, ठीक है ना। 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 इंच की लाइन यहाँ पे हमने दे दी है। और अब जो हमने 1.25 इंच की टक्स को की है ना, तो वहाँ से हमें क्रॉस में ऐसे करके आपको लाइन को खींच देनी है। तो इस तरीके से कर दिया हमने, तो देखिए ये हो गई ना। तो अभी ये हम ये टक्स जो है ना, ये 2 इंच की हमने यहाँ पे, या 2.5 इंच की आप कर सकते हैं, क्योंकि चेस्ट छोटी है तो यहाँ कर सकते हैं। चेस्ट के अकॉर्डिंग जो टक्स होते हैं ना, वो बढ़ते और घटते रहते हैं। तो
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं इस तरफ आई हुक की पट्टी जो लगती है यहाँ पर, तो बहुत लोगों की आई हुक की पट्टी जैसे साढ़े चार पर होती है, सवा चार पे होती है, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे साढ़े चार पर किसी की पट्टी है और यहाँ पर हमारी सवा चार ही हो रही है, तो हम यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, साढ़े चार कर लेंगे। इसके लिए अगर किसी ने अपने ब्लाउज़ की मेजरमेंट दी हुई है तो आप उसको ब्लाउज़ को कि आई हुक की पट्टी को काउंट कर लीजिए और उसको वहाँ पर बेल्ट वाले हिस्से को छोड़ करके और सिर्फ ऊपर के कटोरी वाले साइज़ को नाप करके, और आप वहाँ पर अगर लगे कि अब थोड़ा बहुत बढ़ाना घटाना है तो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ा के बताया है। और आप चाहें तो घटाने का अगर है, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। तो आई हुक की पट्टी बहुत लोगों को छोटी बड़ी जैसी चाहिए होती है उससे पूछ करके कीजिएगा, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से हाफ इंच हमने बढ़ाई, यहाँ से भी आप, तो इस तरीके से हमने सब तरफ से बढ़ा दी है। अभी ये जो कट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कि कैसे हमें यहाँ पे अब कटोरी कैसे रेडी होती है, वहाँ से हमने थोड़ी सी बढ़ा दी थी आई हूँ की तरफ से भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, देख करके ही आप बढ़ाइएगा। और जिसकी ब्लाउज़ में मतलब मेज़रमेंट करके ही, क्योंकि अगर किसी की साढ़े चार होगी तो साढ़े चार करेंगे, सवा चार तो सवा चार ही रखेंगे, घटाना तो घटाएंगे, बढ़ाना तो बढ़ाएंगे। और इस तरीके से कटोरी को बढ़ाई जाती है। तो ये कटोरी मैंने यहाँ पर आपको बढ़ा करके दिखाई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये वीडियो है ना, ये है जो लोग कटोरी ब्लाउज़ बनाते हैं और जिनके कटोरी छोटे बड़े हो जाते हैं, प्रॉब्लम सबको आती है। जैसे मैं भी जब नए नए मैं काम करती थी ना, तो मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, कभी कटोरी बड़ी कभी कटोरी छोटी हो जाती थी। तो उस टाइम पे जब सीखने का दौर होता है तो बहुत तरह की परेशानी आती है, खैर कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से ये देखिए, और यहाँ पर जो बनकर के रेडी हो गई, अब एकदम परफेक्ट ये कटोरी बनकर के रेडी हुई है। हमें इसे कैसे टक्स देना है, मैं मोड़ करके यहाँ पर फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, और ये फोल्ड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट बॉक्स में जा करके अगर आपको जानना है तो कमेंट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। और यहाँ पर ये टक्स को इस तरीके से फोल्ड, जैसे कपड़े पर जब बनाते हैं तो अंदर की तरफ से करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये करके दिया। तो इस तरीके से देखिए, परफेक्ट जो कटोरी है ना, ये रेडी हो गई है। और यहाँ पर इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे तो इसकी पफ आपको दिखेगी अच्छे से। तो इस तरीके से हम बनाते हैं ब्लाउज़ की कटोरी। तो कटोरी बढ़ाने का और सही टेक्निक से बढ़ाने का भी बहुत मतलब मायने रखता है, आपके ब्लाउज़ को सही या गलत बनाने में बहुत मायने रखता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कटोरी को इस तरीके से परफेक्टली आप बना सकते हैं। कटोरी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसके एक तरीके मैं और आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। चलो।